हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। सो आज का ये व्लॉग में मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि रेसिपी है मिर्ची का अचार की रेसिपी बनाऊंगी मैं आज। और जो मिर्ची है वो हमारे अपने घर की मिर्ची होंगी, तो मैं आपको आज मिर्ची के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सो आप मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए सबसे पहले हम मिर्ची तोड़ लेते हैं। चलिए अब हम मिर्ची तोड़ने के लिए चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं जहाँ भी हमने मिर्ची के पौधे लगाए हुए हैं। हमारे घर की मिर्ची है, पहले मोटी मोटी। ये हमारे खेतों की मिर्ची है जो कि एकदम ऑर्गेनिक है और हम यहाँ अभी इसका अचार डालेंगे। तो चलिए हम आपको भी दिखाते हैं कि इसका अचार कैसे डालेंगे। और ये मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ है खाने में, और इसके जो बीज है, थोड़ी मिर्चों के बीज हम निकाल देंगे और थोड़ी मिर्ची के बीज बीच में रह देंगे। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। तो अभी हम मिर्चों को धो लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, दो पानी में इनको धो। सो अब देखिए, हमने जो अचार में मसालों का यूज करना है, तो ये रहा जीरा, अजवाइन, धनिया, मिर्च सौंफ और मस्टर्ड सीड। तो मैंने अभी गैस पे ये पैन रख दिया है। अब इन सभी चीज़ों को मैं रोस्ट कर लूँगी और सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा रोस्ट कर लूँगी इसमें। तो अब हम इनको मिक्सी में थोड़े से ठंडे होने देते हैं। ठंडे होने के बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए, अब ये ठंडे हो चुके हैं तो अब इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमारे जो मसाले हैं वो हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हैं, हो गए हैं। अब इसको निकाल देते हैं। मिर्ची धो के रखी थी तो इसको ऐसे ऐसे मस लेना कि मिर्ची में पानी ना रहे, हल्का सा भी पानी ना रहे, सारा पानी। एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर रख देनी है। और ये मिर्ची मुझे ख़राब लग रही है, इसको निकाल देती हूँ। ऐसे ऐसे करके तो सारा पानी है ये सोख लेगी। अब देखिए, ये मिर्ची सूख चुकी है। अब मैं इनको चाकू के साथ दो पार्टीशन कर दूंगी। तो देखिए, जो मिर्ची को काटना है वो ऐसे दो हिस्सों में काट लेना है। सो अभी मेरी ये थोड़ी सी मिर्ची पड़ी हुई है। तो अब हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये गर्म होता है, तो ये देखिए हमारी जो मिर्ची थी वो सारी हमने ऐसे काट ली है, उसके दो हिस्सों में कर दी है। और
जो हमने पीसा हुआ मसाला था इसमें मैं मेथी दाना डालना भूल गई थी, जो मैंने अभी डाल दिया है इसमें। तो अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो जो मिर्चे हरी डाल देते हैं। कैसा लग रहा? नहीं। तो अभी हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी हल्दी और जो जी हमने ये मसाला बनाया हुआ था और ये डाल देते हैं। चलिए अब इनको मिला देते हैं। मिर्ची का अचार डालना हमें तो महंगा पड़ गया, इतनी ज्यादा झींके आई बहुत, लेकिन चलो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मसाला मैं और डाल दूँ। तो अब हम इसमें अभी हमारा मिर्ची का अचार बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो अभी इसको ठंडा होने देते हैं और फिर किसी डब्बे में निकाल देंगे। सो इसे अब हमने स्टोर करके रख लिया है। सो मैंने अचार को स्टोर करके रख लिया है, हमारा अचार जो बन गया था। तो आप इसे अब कभी भी खा सकते हो क्योंकि ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो मैं स्पेशली एक बात बोलूँगी कि ये अचार मैंने अपनी जेठानी के लिए स्पेशल बनाया है। सो वो मिर्ची का अचार बहुत पसंद है और उनको, लेकिन वो ज़्यादातर नींबू के अचार में डाल के, मतलब नींबू और मिर्ची का अचार इकट्ठा डाल के खाते हैं, लेकिन मैंने उनके लिए स्पेशली अचार बनाया है। सो अगर वो मेरा ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो मैं उनको बोलूँगी कि वो जल्दी से घर आ जाए और ये अचार का डिब्बा उनके लिए है, ये ना हो कि जब तक वो घर आए तो ये अचार का डिब्बा ख़त्म हो जाए। सो प्लीज़ कम बैक टू होम। सो अभी मैं थोड़ी सी इसमें क्लिप अपनी परिधि की डालूंगी, उसने डांस किया हुआ थोड़ा सा एक क्लिप है तो उसने भेजी है वो। अब मैं किचन में हूँ लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि मुझे कितना पसीना आया हुआ है। अगर आप हमें मुझे आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। और मैं आज ये ब्लॉग दो दिन के बाद डाल रही हूँ क्योंकि कुछ काम था, थोड़ा नहीं डाला मैंने ब्लॉग। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको मेरी जो आगे नई वीडियो होंगी वो आपको मिल पाए। अपने घर ये मेरी रेसिपी ज़रूर बनाना। तो देखिए गर्मी कितनी ज़्यादा, मुझे पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है।
सो चलिए मैं आज के ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ। कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आई होप आज का आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो तब तक बाय बाय।